अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल गुड। और आज के इस व्लॉग में एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, जो कि सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल रहा है और उसका असर हमारे दिमाग पे भी। और आई कैन अंडरस्टैंड कि वो सारे पेरेंट्स जो कि मुझे सुन रहे हैं, उन पे भी एक बहुत गहरा असर इस केस ने छोड़ा। जिस केस की मैं बात कर रही हूँ वो दुआ ज़हरा का केस है, और ये केस आई गेस के पाकिस्तान के एक एक शहरी ने देखा, और उनकी हमदर्दियाँ और मेरी हमदर्दियाँ भी बिल्कुल उनके माँ बाप के साथ थी। अगर हम इस केस के इनसाइट देखें तो आपको मालूम है कि एक बच्ची जो कि 14 साल की है, जो अपने एज को भी ज़्यादा बता रही है और घर से भी भाग चुकी है, या उसको इस तरह से वर्गलाया गया है कि उसको एक गैंग ने जो है वो अपना हिस्सा बनाने की कोशिश की है, और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज जो कि हो सकती थी, लेकिन उसके माँ बाप की ये मैं कहूंगी, उनकी हौसला अफजाई करूंगी कि उन्होंने वो नहीं होने दी और अपनी बेटी के लिए वो खड़े हुए। ये चीज यहाँ के हर एक माँ बाप को भी सीखनी चाहिए। बहुत से ऐसे माँ बाप जिनकी बेटियां ऐसा कदम उठा लेती हैं, जिनकी औलाद ऐसा कदम उठा लेती है, और वो शर्मिंदगी की वजह से सोसाइटी में आवाज़ नहीं उठाते, सोसाइटी में उसकी हिफाजत के लिए आवाज़ नहीं उठाते। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दुआ ज़हरा के फादर की, तो एक बहुत बहुत अच्छा कदम उन्होंने लिया। उन्होंने सोसाइटी की परवाह किए बगैर जो है आवाज़ उठाई, इसे मीडिया पे लेके आए, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आए जहाँ से बहुत से लोगों को एक तो खौफ भी आया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो हम कह सकते हैं कि रेड फ्लैग्स होते हैं, वो भी देख सकें और अपनी औलाद की बेहतर परवरिश कर सकें। सो ओवरऑल अगर हम केस की बात करें, तो जो बहुत से लोग चाह रहे थे, जो बाप चाह रहा था अपनी बेटी के लिए, वो होता हुआ नजर आ रहा है। और होपफुली इसका बहुत कोशिशों के बाद, सिर्फ ये नहीं मैं कहूंगी, बहुत कोशिशों के बाद जो है अब इस पॉइंट पे पहुंचा है केस। लेकिन अगर हम बात करें कि ये सब क्यों हुआ, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि ऐसा हुआ, कुछ लोग ब्लेम गेम कर रहे हैं औलाद पे, बच्चे पे, मोस्टली यही करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह क्या थी, क्या हुआ? और अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, और बच्ची का माइंडसेट ऐसा क्यों बन गया कि माँ बाप को पता भी ना चला और इतना सीरियस मसला, इतना सीरियस केस जो है वो हो गया, तो ये बात हर माँ बाप के जहन में बैठ गई है कि अब क्या, अब औलाद की परवरिश कैसे की जाए, औलाद को सीधे रास्ते पे कैसे लाया जाए। बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से ऐसे सवाल जिसका जवाब जो है वो मैं आज अपने इस व्लॉग में दूंगी। तीसरी चीज जो कि यहाँ पे बहुत जरूरी है बीइंग अ पेरेंट कि आप अप्लाई करें अपने बच्चों पे, वो ये है कि आप चेक एंड बैलेंस रखें। ये बहुत एक थिन लाइन है कि अपने बच्चे को बहुत ज्यादा आजादी नहीं देनी, और साथ साथ एक ऐसी लाइन भी ड्रॉ करनी है कि आप चेक एंड बैलेंस भी रख लें, लेकिन बहुत ज्यादा दबाएं भी ना, क्योंकि जब आप बच्चे पे बहुत पाबंदियां भी लगाते हैं, बहुत ज्यादा पाबंदियां, तो वो उसी चीज की तरफ जाता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जिस चीज से रोका जाता है बच्चों को, वो वही करना चाहते हैं। तो आप रोके ना, लेकिन उनकी ट्रेनिंग ऐसे करें कि उनको खुद ही पता लग जाए कि ये चीज गलत है। लेकिन चेक एंड बैलेंस रखना बहुत जरूरी है कि वो अगर पबजी खेल रहे हैं या किसी सोशल मीडिया पे हैं, किसी नेटवर्किंग साइट पे हैं, तो वहां पे वो कम्युनिकेट किससे कर रहे हैं, उनके दोस्त कौन है, वो कितना टाइम जो है इंटरनेट पे है, वो कितना टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ, उनकी कम्युनिकेशन अगर स्ट्रेंजर्स के साथ हो रही है तो वो कौन है। ये चेक एंड बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, जब हम अडल्ट हो जाते हैं, बहुत से लोगों के साथ हम प्रोफेशनल लाइफ में भी मिलना जुलना होता है, बहुत सी दूसरी जगहों पे भी मिलना जुलना होता है, लेकिन जब आप बच्चे हैं, आप एक टीन एज के हैं और आपको नहीं पता कि दुनिया कैसी है, तो ये चेक एंड बैलेंस माँ बाप को रखना है कि अगर वो किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं तो उसकी टेंशन क्या है। तो ये जरूरी है कि आप उनका स्क्रीन टाइम देखें, कोई ऐसी ऐप जहां पे आपको लगे कि ये नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आप अपने बच्चों की के सॉफ्टवेयर्स अप्लाई कर सकते हैं उनकी टूल्स के साथ, उनके इक्विपमेंट्स के साथ, जैसे कि अगर हम टैब यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, नेट के साथ जो है आप उसको कंबाइन कर सकते हैं, उसका कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि चेक एंड बैलेंस अगर हम नहीं रखेंगे तो हमें नहीं पता कि
कल को क्या हो सकता है। इस वजह से नज़र रखें, लेकिन प्यार की नज़र भी रखें और शेर की नज़र भी रखें, दोनों एक साथ जो है वो आपने बैलेंस करना है। लेकिन प्लीज़ आई रिपीट कि कहीं ये गलती ना कर दीजिएगा कि चेक एंड बैलेंस के चक्कर में आप हद से ज़्यादा पाबंदी लगा दें, क्योंकि हद से ज़्यादा पाबंदी भी इंसान को मजबूर करती है कि वो ऐसे काम कर ले जो कि ठीक नहीं होते मॉरली। सो चेक एंड बैलेंस इज मस्ट। चौथी चीज़ जो इन सारी चीज़ों में अहम है वो है घर का माहौल कैसा है। घर के माहौल को कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को सबसे अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं तो माँ बाप को चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। ये शायद हमारी सोसाइटी में है कि माँ बाप जो है खुलेआम प्यार का इजहार नहीं करते, लेकिन आप करें, आप इतना कंफर्टेबल माहौल बनाएं कि वो अच्छा हो, कोई वॉयलेंस ना हो घर में, क्योंकि अगर ऐसा होगा बच्चे स्केप चाहेंगे, बच्चे घर से बाहर निकलना चाहेंगे, उनको सुकून किसी और चीज में मिलेगा। अगर उनको आपके साथ कंफर्ट लेवल नहीं मिल रहा, अगर उनको घर में वॉयलेंस मिल रहा है, ये इस केस के साथ मैं कतई नहीं जोड़ रही हूँ कि शायद अदवा जहरा के घर का माहौल ऐसा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से ऐसे घर मैंने देखे हैं जहां पे बच्चों के सामने वॉयलेंस किया जाता है, झगड़ा किया जाता है, ऊट पटांग लैंग्वेज बोली जाती है, इस्तेमाल किया जाता है, बच्चे चाहते ना चाहते डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो घर से दूर रहना शुरू कर देते हैं, स्केप करते हैं वहां से, उनको होता है कि हमें कोई ऐसी जगह मिले जहां पे ये सारी टेंशनें सारी मुसीबतें ना हो। तो बच्चों को ऐसा माहौल दें कि जब वो घर आए या स्कूल से घर आ रहे हैं तो उनका दिल करे, ये ना हो कि अगर उन स्कूल से घर जाना है या कॉलेज से घर जाना है तो उनके सर में ये टेंशन हो कि अब घर जाके क्या होगा। माँ बाप का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, एक ओपन भी माहौल होना चाहिए, साथ साथ आपने उनको बताना भी है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है। साथ साथ एंड पे एक्सेप्टेंस की अगर मैं बात करूँ, पांचवा पॉइंट है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट भी करें और अप्रिशिएट भी करें। कभी कभार बच्चों की अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, वो कॉन्फिडेंस जो कि उनमें आना चाहिए वो नहीं आता, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा होता है कि उनमें वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। बीइंग अ पेरेंट हमें ये करना है कि हमने उनके अंदर का कॉन्फिडेंस लेके आना है, उन्हें बताना है कि वो जब किसी को देखें उनको अंदाजा हो जाए कि अच्छा ये इंसान इस कैटेगरी का है, वो तो हमने सही गलत बता दिया। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि कोई बात करने आते हैं माँ बाप के पास या कुछ करते हैं तो हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते, एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है उनके कामों में, या वो कोई फरमाइश करते हैं हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं, फिर वो कुछ चाहते हैं हम रिजेक्ट कर देते हैं, हाँ वो किसी फील्ड में जाना चाहते हैं हम कहते हैं कि नहीं ये फील्ड नहीं ठीक तुम्हारे लिए, ये फील्ड ठीक है, तो क्या होता है इवेंचुअली वो बेजार हो जाते हैं, वो बागी हो जाते हैं, वो ऐसे काम करना शुरू हो जाते हैं जो कि माँ बाप को पसंद नहीं होते, क्योंकि हम उन्हें हमेशा रोक ही रहे होते हैं। कभी कभार अगर वो चाहते हैं कि हम इस फील्ड में जाएं, जाने दें, उनको अगर कुछ करना है, कोई अच्छा पॉजिटिव चीज करनी है तो उनको आज़ादी भी दें कि वो कर सकें, साथ साथ एक्सेप्टेंस भी दें। अगर बहुत ज़्यादा इनकार किया जाए, बहुत ज़्यादा चीज़ों से रोका जाए, बहुत ज़्यादा चीज़ें और ड्रीम्स को रिजेक्ट किया जाए तो बच्चे बागी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी जो कि मैंने आज इस व्लॉग में बताई। इसके अलावा बेशुमार पॉइंट्स हैं, लेकिन क्योंकि टाइम कम होता है इस वजह से मैंने कहा कि बहुत से पॉइंट्स जो हैं इनको एक कंक्लूड किया जाए इस स्टेटमेंट में कि हम अपने बच्चों की कैसे परवरिश कर सकते हैं, उनके करीब कैसे आ सकते हैं, ऐसे वाकियात ऐसे केसेस जिससे सबके दिल डर जाते हैं उनको कैसे रोक सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये कोशिश को जारी रखें, बच्चों के साथ अपनी कम्युनिकेशन को जारी रखें, उनको बताएं सही गलत क्या है, खुद भी सीखें, क्योंकि शायद मुझे लगता है बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि वो सीखे सिखाए होते हैं, ऐसे नहीं होता, आपने भी सीखना है, बच्चों ने भी सीखना है, और बहुत सी ऐसी इस रिश्ते को मजबूत करना है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि इस रिश्ते में रुकावट बनती हैं उनको दूर करना है। बताएं बच्चों के को कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनका सबसे बेहतर चाहते हैं, क्योंकि कभी कभार बताना भी ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह।